10 लाख क्यों तो बताओ ने। औरत पे हाथ उठाना रेप का दायरे में आता है। अच्छा, मतलब एक थप्पड़ मारना रेप होता है? कैसे? नहीं नहीं, तो रेप का केस करे, तो रेप का केस करे खोजकला, तो एक थप्पड़ मार लन तो रेप हो। आजकल देखा जाता है कि महिलाओं को काफी ज्यादा सुरक्षा दिया जाता है, और उसी में से कुछ महिलाएं ऐसी होती है जो सुरक्षा मिलने पर उस सुरक्षा का फायदा उठाने पर तुल जाती है। वहीं ऐसा ही कुछ मामला रांची के पुंदाक के आईएसएम चौक के समीप देखा गया। वहीं आईएसएम चौक के समीप डॉक्टर तंजीम हुसैन पर यौन शोषण का आरोप लगाया गया। ये आरोप उनकी क्लिनिक में काम करने वाली एक महिला ने लगाया है। महिला ने डॉक्टर के खिलाफ पुंदाक ओपी में प्राथमिकी दर्ज कराई। बताया जा रहा है कि महिला द्वारा पैसा भी मांगा जा रहा है, और डॉक्टर का कहना है कि महिला के द्वारा पैसा भी मांगा जा रहा है, और महिला कह रही है कि अगर आप हमें पैसा नहीं दोगे तो हम आप पर रेप केस कर देंगे। और इसका एक्सक्लूसिव वीडियो अभी हम आपको जीएन भारत के माध्यम से दिखा रहे हैं। तो 10 लाख रुपए भाई आदमी क्यों दे तुम? क्यों 10 लाख क्यों तो बताओ ने। अच्छा, मतलब एक थप्पड़ मारना रेप होता है? कैसे? नहीं नहीं, तो रेप का केस करे, तो रेप का केस करे खोजकला, तो एक थप्पड़ मार लन तो रेप हो गए। अच्छा, एक थप्पड़ में रेप हो जाए। अच्छा, तो के रेप कर लो ना। हाँ, तो रेप के बारे में कैसे बोल दे अकला? अरे भाई, तो रेप का कैसे तुम बोल दो अगला कि रेप की? रेप हम मेरे हस्बैंड जेल पे हैं, तो वकील लोग बताते हैं कि देखो बाबू ऐसे होता है, तो बस वही बात हम समझ के बैठे हैं। अच्छा, तो वकील का कहल में तो रेप का केस कर दो भाग। लगता है हम करेंगे। तो कैसे रेप का केस कैसे बोल दो अगला? तो रेप नहीं हो वैला भाई, एक थप्पड़ मारना रेप हो जाएगा। नहीं, हमार बताओ ने, हमार भाई तो के रेप कर लोन आए, रेप कर होन गलत कभी नहीं। तो कैसे एलिगेशन डाल दे हकला? अरे भाई, हमार फोन आवे लागल है, देख ला कि नहीं? देख ला। तो वही आपने देखा कि ये जो महिला है ये कैसे फायदा उठा रही है। अब हमारे साथ ये डॉक्टर भी मौजूद है जिन पर यौन शोषण का आरोप लगा है। आइए आपको सुनाते हैं। मैं डॉक्टर तंजीम हुसैन पुंदाक से, मेरे पे मेरे स्टाफ ने यौन शोषण और ये यौन शोषण का केस लगाने का ये इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की। उसके संदर्भ में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं सरासर बेगुनाह हूँ, और मेरे पास उस चीज़ का प्रूफ भी है, मैं साबित भी कर सकता हूँ। और वो लड़की को मैं गरीब, किसी लड़की को गरीब समझ के उसकी मदद करने की कोशिश की, और उसको मैंने जॉब दिया, तो वही लड़की ने मेरे पे यौन शोषण और ये का मुझ पे ब्लेम लगा के फंसाने की कोशिश की। ये लड़की क्या हमेशा नशे में रहती थी दवा खा के? जब मैंने उसको बोला कि दवा व नशा करके मेरे क्लिनिक पे मत आओ, तो वो मेरे को ब्लैकमेल करने की कोशिश की और मुझे फंसा दी। जब मैंने उसको क्लिनिक से हटा दिया, तो 7 महीने के बाद फिर से वो दवा खा के मेरे क्लिनिक पे आई, और स्टाफ से भी बदतमीजी की, और मेरा जो डेस्कटॉप था उसको चुरा के वो भाग गई। जब मेरे स्टाफ ने मेरे को बताया कि वो डेस्कटॉप चोरी करके भाग गई, तो मैंने उसको जब लेने के लिए गया तो रास्ते पे ही वो मिली। मैं जब उसको छीना छपेट करने लगा, मांगने लगा, तो गलती से उस पर जो भी चोट लगा हो वो अलग सी बात है, लेकिन मैंने उस पर कुछ ये यौन शोषण या कुछ भी मैंने नहीं किया। मेरे पास एविडेंस ये भी है कि देखिए, उन्होंने ये बोला कि मैंने 3 साल से क्लिनिक पे काम करती थी, वो भी गलत बात है। वो भी मेरे पास सबूत है कि 3 साल से वो काम नहीं की, 7-8 महीने से काम की है बस। और जब उससे पूछा गया कि तुम ये डॉक्टर साहब यौन शोषण किए हैं, तो फिर वो थाने पे भी बोली कि नहीं, मुझको 50,000 रुपया चाहिए, मैं केस को ये कर लूँगी।
समेट लूँगी। और फिर जब घर पे आज सुबह जाके मैं सुबह पे आई जब वो मेरे घर पे, जब उसको जब पूछा गया कि ये चलिए थापड़ मान लग गया चाहे कुछ हो गया तुमको तो ये रेप है क्या, तो वो फिर बोलने लगी कि मैंने कब बोला कि रेप किए हैं। लेकिन फिर वो ब्लैकमेल करने के लिए मुझको 10 लाख की मांग की, और वो मेरे पास वीडियो भी है और उसने अपने ये से कबूला भी है कि मेरे साथ यौन शोषण या रेप नहीं हुआ है। तो आपने देखा ये पूरा वायरल वीडियो, उसके बाद आप हमें अब कमेंट करके बताइए कि क्या हर बार पुरुष ही गलत होता है या फिर महिलाओं की भी गलती होती है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहे जीएन भारत के साथ। धन्यवाद। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।